नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक पेयर के क्लासिफिकेशंस के बारे में। पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू जो रिलेटिव मोशन था बिटवीन द एलिमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, और दूसरी हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्लोजर बिटवीन द एलिमेंट्स। तो दो तरह की जो है हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहली जो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारी ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है लोअर पेयर और एक होती है हायर पेयर। अब लोअर पेयर के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो इसके अंदर आती है स्लाइडिंग। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो एलिमेंट स्लाइड करेंगे तो वो लोअर पेयर होगा, और दूसरी जो इसके अंदर आएगी कि इसके अंदर सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, स्लाइडिंग और सरफेस कॉन्टैक्ट। अब स्लाइडिंग और सरफेस कॉन्टैक्ट आपने कई जगह देखा होगा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लेथ मशीन जो वर्कशॉप में देखी होगी, जो उसकी वी तरह की इस तरह की गाइड होती हैं, वी शेप की गाइड होती हैं, उनके ऊपर जो है पूरी कंपाउंड स्लाइड जो है, या कहें कि पूरा जो कैरिएज है वो सारा इसके ऊपर मूव करता है। तो सबके नीचे इस तरह की स्लाइड्स लगी होती हैं जिनके ऊपर मूव करते हैं। तो ये क्या है, सरफेस कॉन्टैक्ट है, और जो है लोअर पेयर का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो आपके टर्निंग पेयर हैं, स्लाइडिंग पेयर हैं, स्क्रू पेयर हैं, ये सारे जो है आपके लोअर पेयर होते हैं, लोअर पेयर के एग्जांपल में आते हैं। तो सरफेस कॉन्टैक्ट है, आप सिंपली याद रख लीजिए, जहाँ सरफेस कॉन्टैक्ट होगा और स्लाइडिंग होगी दो एलिमेंट्स के बीच में, तो लोअर पेयर का वो एग्जांपल होता है। या फिर आप इसको एक फ्रिक्शन से जोड़कर भी देख सकते हैं इन दोनों टर्म को, कि जहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट होगा ज़्यादा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो वो लोअर पेयर माना जाता है। इसी तरह से हायर पेयर के अंदर क्या है, हायर पेयर के अंदर या तो क्या हो, पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, जैसे कि यहां पे है पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, लाइन कॉन्टैक्ट हो, इस तरह का कॉन्टैक्ट हो, तो उस तरह के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो जो आते हैं हायर पेयर के अंदर, लाइन हो, पॉइंट हो, और रिलेटिव मोशन जब दोनों के बीच में, जैसे कि एक टायर और जो रोड होती है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट हो गया, इस तरह के कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, लाइन कॉन्टैक्ट हो, इस तरह का जो भी कॉन्टैक्ट होगा जब रिलेटिव मोशन होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, तो इस तरह का जो पेयर होता है उसको हम हायर पेयर बोलते हैं। तो हायर पेयर के अंदर क्या होता है, हायर पेयर के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये पार्टली तो टर्निंग होता है और पार्टली स्लाइडिंग होता है। जैसे कि आप दो गियर्स का एग्जांपल ले लीजिए, ये गियर फर्स्ट है, गियर सेकंड है, दोनों आपस के अंदर मैशिंग में है, तो यहाँ पे पार्शली स्लाइडिंग भी है और पार्शली टर्निंग भी है। तो टर्निंग और जो स्लाइडिंग है वो होगी इसके अंदर, टर्निंग भी होगी और क्या होगी, जो होगी स्लाइडिंग भी होगी, लेकिन पार्शली, तो ये दोनों क्या होंगे, पार्शली। तो पार्शली क्या हो, टर्निंग हो, और पार्शली क्या हो, पार्टली क्या हो, स्लाइडिंग हो। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी, यानी कि टर्निंग या थोड़ी सी स्लाइडिंग हो, इस तरह के भी जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो हायर पेयर होते हैं। तो हायर पेयर के अंदर आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इस तरह के टू थर्ड गियर आप ले सकते हैं, फ्रिक्शन डिस्क ले सकते हैं, जैसे क्लच जो डिस्क होती हैं वो आप ले सकते हैं, बेल्ट एंड रोप ड्राइव आप ले सकते हैं, बाल और जो रोलर बियरिंग का कॉन्टैक्ट है वो आप ले सकते हैं, कैम एंड फॉलोवर जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है वो आप हायर पेयर में ले सकते हैं। तो ये सारे हायर पेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो लोअर पेयर और हायर पेयर क्यों बोला गया इसको हायर पेयर, क्योंकि पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट है तो फ्रिक्शन कम होगा। तो जैसा कि हमने, अगर आप याद रखना चाहते हैं कि आप अगर सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पे, तो लोअर पेयर बोल दिया कि लोअर पेयर, यानी कि एफिशिएंसी से एक तरह से जोड़ के आप याद रख सकते हैं। हायर पेयर में लाइन कॉन्टैक्ट होगा या पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, तो इस तरह के जो पेयर होंगे वो हायर पेयर होंगे। तो इनका जो मोशन होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, पार्टली टर्निंग होगा और पार्टली क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बेस पे आगे चलते हैं, आगे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। टाइप ऑफ क्लोजर के हिसाब से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एक तो है सेल्फ क्लोज्ड पेयर। ये सेल्फ क्लोज्ड पेयर क्या है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर यानी कि इस तरह का पेयर, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं सेल्फ क्लोज्ड, इस तरह का मैकेनिकल लिंकेज है कि पहले ही उसको मैकेनिकली उसको सेट कर दिया गया है। मान लीजिए इस तरह की एक आपके पास एक रोड है और इस तरह का एक बॉक्स है जिसके अंदर से वो मूव कर रही है, इस तरह की शाफ्ट है मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो डिफिनेट डायरेक्शन के अंदर आपको क्या है, जो आपको डिजायर डायरेक्शन था वहीं पे मोशन मिलेगा। मैकेनिकली कॉन्टैक्ट इस तरह से इनका कर दिया गया है आपस के अंदर कि रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन ही आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए उसी तरह का मोशन मिलेगा, यानी कि ये स्लाइड ही करेगा इसके अंदर, ये इस तरह से स्लाइड ही करेगा इसके अंदर। तो इस तरह का जो पेयर होता है वो सेल्फ क्लोज्ड पेयर होता है। फोर्स क्लोज्ड पेयर क्या है, अब देखिए इस तरह का पेयर जो मैकेनिकली हम कॉन्टैक्ट में ना रखें, जैसे हमने इसको मैकेनिकली कॉन्टैक्ट में रखा था, मैकेनिकली कॉन्टैक्ट में ना रखें,
एक्सटर्नल फोर्स की हम हेल्प लें, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प लें दोनों को कॉन्टैक्ट में लाने के लिए, और जो इस तरह का पेयर होगा उसको हम बोलेंगे फोर्स क्लोज पेयर, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं था लेकिन इनको कॉन्टैक्ट में लाने के लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ किया, तो इसको हम फोर्स क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है ये कैम है और ये क्या है, यहाँ पे ये फॉलोवर है, तो कैम और फॉलोवर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब इसी तरह से जो सेल्फ क्लोज्ड पेयर हैं वो जो सारे होते हैं आपके ये लोअर पेयर होते हैं, तो इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जो फोर्स क्लोज्ड पेयर हैं ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आप हायर पेयर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये हायर पेयर हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया जो कि था आपका कैम एंड फॉलोवर का एग्जांपल था इसके अंदर, तो इस तरह से जो ये एग्जांपल हैं इसके अंदर आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से जो चार आपने टाइप आज देखे, एक तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट जो लोअर पेयर हायर पेयर था, एक सेल्फ क्लोज्ड पेयर और एक फोर्स क्लोज्ड पेयर जिसके अंदर फोर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे फोर्स क्या है, जो स्प्रिंग है जो इसको नीचे बिठा के रखेगा, इसकी सीट के ऊपर बिठा के रखेगा इसको, तो वो चीज़ जो है, या ग्रेविटी फोर्स है, तो दोनों फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, तो इसलिए इसको फोर्स क्लोज्ड पेयर बोल दिया गया है। तो ये थे हमारे लोअर पेयर, हायर पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर एंड फोर्स क्लोज्ड पेयर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।